Assalamualaikum and welcome to Zaions.com. इस वीडियो में हम बात करेंगे Jobee.pk के मतलब कि आप Jobee.pk पे अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और प्रोफाइल को सेटअप करने के बाद जॉब सर्च करके उस पर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में आ जाएंगे और सर्च करेंगे Jobee। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट यही आएगी, आप उस पर क्लिक कर लें। ये आप देख सकते हैं ये जो AD लिखा होता है वो ऐड होता है, आप उस पर क्लिक ना करें नहीं तो आप इस वेबसाइट के किसी ऐड पर चले जाएंगे। ऐड के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट ही Jobee.pk, आप उस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे आने के बाद अगर तो आप इस वेबसाइट पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले क्रिएट अ CV पर क्लिक करें तो ये आपको रजिस्टर के पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आप साइनअप करने के लिए यहाँ पर अपनी ईमेल दें और एज ऑलवेज जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल है वो आप यहाँ पर दें ताकि आपको बाद में कोई टेंशन ना हो, क्योंकि ये ईमेल बाद में चेंज नहीं होती। यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो आप दे दें और उसके बाद नीचे वाली फील्ड में उस पासवर्ड को रिपीट कर लें। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा है उसको ही यहाँ पे रिपीट कर दें और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें। ये चार चीज़ें देने के बाद आप साइनअप पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे ये Jobee.pk की तरह आपको एक अपने प्रोफाइल सेटअप में ले आएगा। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, आप ये सारी फील्ड्स को रिस्पेक्टिवली एंटर कर लें। मैं क्विकली ये डाटा एंटर करूँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको इनमें से कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, जहाँ पर ये स्टैटिक लगा होता है वो फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो डाटा आपने ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी आप रिस्पेक्टिवली सारा डाटा एंटर कर लें। मैं जल्दी से ये सारा डाटा एंटर करूँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये सारा डाटा एंटर करने के बाद आप फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो आपने अभी तक कोई काम किया है तो फिर यहाँ पे यस कर लें, और अगर नहीं भी किया तो फिर भी इसको यस करके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वो फाइवर की कंपनी को ऐड करके वहाँ पर फ्रीलांस डेवलपर ऐड कर दें, तो मैं वो वाला एक्सपीरियंस ऐड करूँगा और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे। ये वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद Jobee.pk में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर तो आपने जैसे कि हमने पहले Jobee.pk में भी प्रोफाइल बनाई है और बाद में Mustaqbil.pk में भी प्रोफाइल बनाई है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो आपने Jobee.pk में प्रोफाइल बनाई हुई है वहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप अपनी रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं, CV डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। तो मैं वही काम करूँगा ताकि हमें ये सारी प्रोफाइल स्क्रैच से ना बनानी पड़े, और जो हमारा एक्सपीरियंस और हमने वहाँ पे लैंग्वेजेस और प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड की थी, अपनी प्रोफाइल को 100% किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएं। CV अपलोड करने के लिए आप Jobee.pk में जाएं और वहाँ से अपनी जो हमने लास्ट टाइम जो CV कंप्लीट की थी वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। हम सबसे पहले Jobee.pk में आएंगे और जैसे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट अभी लॉगिन है जो हमने लास्ट टाइम कम्प्लीट किया था। आप यहाँ पर होवर करेंगे और व्यू प्रोफाइल में आ जाएंगे, तो ये देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया था जो सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड CV, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दो टेम्पलेट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था, फर्स्ट टेम्पलेट को ही चूज़ कर लेंगे क्योंकि ये टेम्पलेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस इसको डाउनलोड कर लें। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ और अपलोड बटन पर क्लिक करें और जहाँ पर आपने डाउनलोड किया हुआ है CV को वहाँ से अपलोड कर लें। मैंने डाउनलोड सेक्शन में और ये CV पड़ी हुई है, PDF की फॉर्म में वो डाउनलोड होगी। जब ये हो जाए यहाँ से ये देख लें वो फाइल यहाँ पे वो बता देगा कि ये फाइल आपने सेलेक्ट किया है, और बाद में फिर आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे ये उस CV में से जो जो चीज़ें इसे समझ लगेंगी कि जो जो चीज़ें जिस जिस टैब में आनी चाहिए, जैसे कि इसको समझ लगेगी कि जो समरी के हेडिंग के नीचे जो चीज़ लिखी थी इसने ऑटोमेटिकली उसको समरी के टैब में लिख दिया, आप उसको एक दफ़ा फाइनल टाइम स्टडी कर लें, मतलब रीड कर लें कि कहीं इसने जो वो समरी का टाया, जैसे कि इसने ये देखे ये page 1 of 1 यहाँ पे बिला वजह लिख दिया है, तो आप जो गलती से इससे चीज़ें ऐड हो गई हैं वो रिमूव कर दें और बाकी आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल सही लिखा है। आप इसको सेव पे क्लिक करें, ये फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको ले जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमने दो ऐड किए थे HTML और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसने अपने आप वो दोनों यहाँ पे उठा लिए। यहाँ पे बस एक चेंज है कि वहाँ पे हमारे पास जो स्किल ऐड करते थे उनका जो लेवल होता था वो बिगनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट होता था, यहाँ पे वो 1 से 5 तक जाता है। तो आप अगर आपने इंटरमीडिएट वहाँ पे रखा है तो आप इसको यहाँ पे उसको 4 तक रख लें या 5 तक रख लें, 5 रखेंगे मतलब एक्सपर्ट और 4 तक रखेंगे तो मतलब इंटरमीडिएट।
और उसके बाद सेव कर दें, वो स्किल्स ऐड हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो दो एजुकेशन ऐड की थी वो भी इसने अपने आप यहाँ पे ऐड कर दी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इसको समझ नहीं लगी तो वो खा लिया है। अगर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वो कह देगा कि प्लीज़ डिग्री लेवल प्रोवाइड करें। यहाँ से आप सेलेक्ट करें और इंटरमीडिएट का आप जानते हैं कि लेवल होता है, यहाँ से बस वो सेलेक्ट कर लें, सेव करें। ये वो एक सेव हो गया। उसके बाद अब क्योंकि एक एरर सेव हुआ है, यहाँ से आप देख सकते कि पहले हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, अब सिर्फ एक ऑप्शन रह गया। अब यहाँ पे भी इसको यही मसला है कि इसको डिग्री लेवल का नहीं समझ लग रही। हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और जो मैट्रिक का लेवल होता है वो ओ लेवल होता है, ये ओ लेवल सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये एरर भी सेव हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एरर रह गया जो हमने एक्सपीरियंस में दिया था, वर्क हिस्ट्री, वो इसको समझ नहीं लगी। हमें अगर आपको एरर की समझ ना लगे कि एरर क्या है, आप सेव पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बताता है कि ये एरर है। आप एक दफ़ा फिर सेव पे क्लिक करें और पढ़ लें, स्टार्ट डेट मस्ट बी लेस देन करंट डेट, कि जो स्टार्टिंग डेट है वो आज की तारीख से कम होनी चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 2019 सेलेक्ट करके फेब्रुअरी सेलेक्ट कर लें। जैसे ही मैं अब सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोफाइल, और आप देख सकते हैं कि हमने जो हमने पीछे इतना काम किया था वो ज़ाया नहीं हुआ, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और हमारी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ 55% हो गई है। अब हम बाकी देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने और ऐड करनी है ताकि हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि लैंग्वेजेस अभी ऐड नहीं हुई, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लैंग्वेजेस ऐड कर देंगे। उर्दू और इंग्लिश हम दोनों ऐड कर देंगे। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप उसका लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम, बिगनर या नेटिव। हम मीडियम पर रखेंगे और उसके बाद इंग्लिश को भी ऐड कर देंगे। ये दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे लैंग्वेज सर्च करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड होगी और यहाँ पे फिर उसका लेवल सेलेक्ट करके सेव कर दें। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे जिस तरह हमने वहाँ पे ऐड किया। आप यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं टाइटल, कंपनी। मैं यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट की डिटेल एंटर कर दी। आप यहाँ पे जो आपका सही प्रोजेक्ट होगा उसकी डिटेल एंटर करेंगे और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जस्ट अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा, वो एरर आप सेव कर दें, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सेव कर दें। जैसे ही आप सेव प्रेस करेंगे तो वो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे ही हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया, देख सकते हैं कि ये क्योंकि सेक्शन रिक्वायर्ड था तो हमारी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ 60% हो गई है। उसी तरह हमें कुछ सर्टिफिकेशन ऐड करनी पड़ेंगी और जो जो चीज़ें यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती जाएगी। मैंने आपको जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया हुआ है कि हमने अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ हर एक वेबसाइट में 100% रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ, प्रोफाइल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, वो एक तो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो हमने ऐड कर दी है, समरी वो ऐड कर दी है, वर्क एक्सपीरियंस वो ऐड कर दी है, प्रोजेक्ट्स वो ऐड कर दी हैं, स्किल्स वो ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एजुकेशन है, ये भी हमने ऐड कर दिया है। इंडस्ट्री ये भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, हम अपनी इंडस्ट्री ऐड करेंगे। जो मैंने जैसे कि आपको बताया था जो आपकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री होगी आप वो ऐड कर देंगे। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ऐड कर दूँगा और सेव करूँगा। जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे आप देख सकते हैं ये 70% हो गया। उसके बाद हम फंक्शनल एरिया ऐड करेंगे। फंक्शनल एरिया क्या चीज़ है, वो एरियाज जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, मतलब कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में काम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ पे काम कर सकता हूँ। आप यहाँ से जो आप इनको सर्च कर लें, बेहतर तरीका ये है कि आप एक दफ़ा देख लें अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जिस तरह आप काम कर सकते हैं। तो जो जो डिपार्टमेंट जहाँ पर आप काम कर सकते हैं आप उनको सेलेक्ट करके ऐड कर दें और सेव कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80% हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें काफ़ी देर का एक अलर्ट शो कर रहा है। जैसे कि हमें लास्ट वेबसाइट्स ने एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड की थी, इस वेबसाइट ने भी एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड किया। हम वहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वेरिफिकेशन ईमेल आ रही है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस बटन पर क्लिक कर देंगे, जस्ट कन्फर्मिंग यू आर यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो अलर्ट था यहाँ से गायब हो गया। आप इस टैब को बंद कर देंगे और इस टैब में आ जाएंगे